अरे लोबिन हेम्ब्रम तो भाई कहाँ है, हमको तो समझ में नहीं आता, तो रंग बदलते रहता है। कभी बोलता है हम बीजेपी में चले जाएंगे, कभी बोलता है तमाक छपा से चुनाव लड़ेंगे, कभी बोलता है निर्दलीय लड़ेंगे, तो उनका तो स्थिर नहीं है वो। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हेमलाल जो है ये बोरियो के मैदान में यह कार्यक्रम था, वहाँ बोल रहे थे कि लोबिन हेम्ब्रम के बारे में, यही चीज़ पूरा दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा दिखा करके छोड़ दिए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रेस रिपोर्टर हैं, मेरे ज़िंदगी से या लाइफ से जुड़ा हुआ ब्लॉग दिखाएंगे इस चैनल में। और चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, सुनाते हैं। चुनावी जंग छोटी जंग नहीं होती है, और इस जंग को तमाम लोग, सभी कार्यकर्ताओं को, सबसे नज़र बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं पर रहता है और बूथ समिति के लोगों को, उनसे हमारा आग्रह होगा या हमारे समिति के द्वारा आग्रह होगा कि आप अपना कर्तव्य जिस तरह से निभाना चाहिए आपको निभाना होगा। और प्रत्येक दिन प्रोग्राम दो नुआ बोरियो विधानसभा या चारों प्रखंड कुनू प्रखंड जो कार्यकर्ता प्रखंड स्तर कार्यकर्ता बूथ कमिटी कार्यकर्ता तीन जो होड़ा नोडे सेमेल नुआ इते एन मौका रे प्रोग्राम दो लहार गिल तय लेदा मेनखान होला अचानक चुनाव आयोग घोषणा किदा चुनाव रिया आदो उना ये ते नुआ सम्मेलन रे आसोर कथा दो कना जे कार्यकर्ता केटेज को चला जे चुनाव सटेर ना उना ये ते चुनाव रे अडी केटेज तरा को कमी आर हो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीतो नुआ तिंदो
मुंडेले किरिये कोसम। इतने बड़े प्रोग्राम हो रहा है आपका, ये बोरियो विधानसभा यहाँ के विधायक लोबिन वो शामिल नहीं है। अरे लोबिन हेम्ब्रम तो भाई कहाँ है, हमको तो समझ में नहीं आता। तो रंग बदलते रहता है, कभी बोलता है हम बीजेपी में चले जाएंगे, कभी बोलता है तमाक छपा से चुनाव लड़ेंगे, कभी बोलता है निर्दलीय लड़ेंगे। तो उनका तो स्थिर नहीं है, वो अपना कहाँ होगा उसका ठिकाना आश्रय उसका पता नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को तो अब संगठन से कोई मतलब नहीं है, संगठन के विरोध में काम करता है, इसीलिए जेएमएम से क्या मतलब उसको।